जब से इस साल का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है ऑल इंडिया का, मैं बहुत सारे वीडियोस, कम से कम मैंने इस बार अभी काउंसलिंग पे 500 वीडियो दिए हैं आपको, 500 वीडियो। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 3 से लेकर 9 वीडियो तक, एक दिन तो 11 वीडियो भी गया, बट 9 काफ़ी दिन गए। इतने सारे वीडियोस बनाना, एडिट करना और डेटा को प्रेजेंट करना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए मैंने कभी भी इंडिविजुअल आप लोग को गाइडेंस के लिए नहीं बोला, क्योंकि इंडिविजुअल गाइडेंस में टाइम किल होता है। तो मैं एक दो लोगों को गाइड करूं, उससे बढ़िया है कि मैं हजारों लोगों को गाइड करूं, यही मैंने चुना इस साल। क्लासेस लेने के बाद जो टाइम बचता है, और रात में आपको पता है 9 से 10, आजकल तो 10 बजे इसमें लाइव ले रहा हूँ, तो उस लाइव में आप लोगों से जुड़ता हूँ और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करता हूँ। तो इस बार मैं आपको डेटा लेके आ रहा हूँ ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का डेटा में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको अलग कर लिया है, कैटेगरी वाइज अलग कर लिया है कि हर कैटेगरी में कितने बच्चे इस साल अपीयर किए हैं, आप वो सब देख सकते हो। मैंने अपने कंप्यूटर में उन सबको बना रखा है, कितने बच्चे बढ़े हैं, कितने बच्चे घटे हैं, कंसॉलिडेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। और इसके सहायता से मैं ये बताने वाला हूँ कि इस साल ऑल इंडिया की रैंकिंग पिछले साल के लास्ट अलॉटेड कॉलेज से थर्ड राउंड में, जो करीब करीब 22,300 कुछ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 4,000 तक नीचे आराम से आ सकता है, 4,500 तक भी जा सकता है। तो मेरा बेट होगा कि 26,000 रैंक तक इस बार जिनकी ऑल इंडिया में हैं, दे आर रेडी टू टेक द एडमिशन एनी वेयर, दे कैन गेट द सीट। डेटा से बताऊंगा। इससे पहले एक यूपी का वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आया तो जरूर देखिएगा और रेफर करिएगा लोगों को। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर हो सके तो करिएगा। चलिए डिस्कस करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल एक्सेल खेलते हैं। और ये एक्सेल मैं यहाँ पे देखो मैंने सब बना रखा है, और 2023 का मेरे पास ये जो पूरा का पूरा नॉलेज सीरीज का, ये नॉलेज सीरीज का मेरा एक पूरा बॉक्स है, उसमें 2023 है, और उसमें 2023 का राउंड वन का एक्सेल भी मैंने अलग से बना दिया है। मैंने इसमें काफ़ी कुछ बना रखा है, फाइनल कंसोलिडेशन फॉर रैंक वन मैंने बना रखा है, फाइनल डेटा आप यहाँ से देख सकते हो। ये ओपन ओवरऑल क्रस्ट है, कंप्लीट पैकेज है, जो आप देख सकते हो कि MBBS सीट्स जिपमर में कितनी थी, एम्स में कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी, ESIC में कितनी, ऑल इंडिया जो 15% कोटा वाले होते हैं उसमें कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा जनरल में इतना रैंक है, क्या मुझे सीट मिलेगा? तो अब आप देख सकते हो जनरल में कितनी सीट है। अब अपनी रैंक को आप जस्टिफाई करके वहां से पता कर सकते हो। तो पूरे इंडिया में इस साल जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आया, थोड़ा बहुत देखो माइनर गलती हो सकती है, कुछ एक आध BDS को मैंने सब हटाया, हो सकता है कुछ BDS रह गया हो, तो ऐसा कुछ हो, थोड़ा बहुत हो सकता हो। 11,456 सीट्स अवेलेबल हैं MBBS के लिए सब जगह, उसमें जनरल के लिए 4,525 हैं। अब ESIC ले लिया वो हटा सकते हो आप, वो तीसरा नंबर का सीक्वेंस देखो ये है, वो आप हटा सकते हो, ESIC हटा सकते हो, और बाकी तो सब आपके लिए है ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर तो आप ट्राई करते ही हो। तो 4,525 हो गई जनरल के लिए, 235 हो गई ओपन PWD, 1,047 हो गई आपके लिए EWS, EWS PWD 55, 2,900 हो गया OBC, 151 हो गया OBC PWD, 1,612 हो गया ऑल इंडिया में SC, SC PWD 84, 805 हो गया ST में, और 42 हो गया ST PWD। टोटल 11,456 ऑल इंडिया में जो सीटें आई हैं वो हैं 7,646। तो ये सीटें आई हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने कंप्यूटर वाले सर को बोल के एडिट जो करते हैं कि थोड़ा इसको बड़ा दिखाएं। उसके बाद अब मैं आ जाता हूं फिर आपके कुछ और पार्ट पे। फाइनल सीट मैट्रिक्स हो गया, जिपमर, ये सभी कॉलेज को मैंने अलग कर दिया है, एम्स का क्या है, उसके बाद किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये सब मैं निकाल चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ। ये देखो सारे एम्स में सीटें हैं, ये आप स्लो मोशन में करके सारे एम्स की सीटें देख सकते हो। इसी तरह सारे कॉलेजेस की सीटें, ये आपको यूपी का दिख रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया उसका है ये, अभी मैंने कुछ और बनाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं एक सीट लेके आ रहा हूँ 2022 वर्सेस 2023, इसका मैं ग्राफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, ये ग्राफ मैंने कल डाला था, ये ग्राफ एक सेकेंड में बनता है आजकल टेक्निक अगर आपको पता हो तो। ये जो डेटा देने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, ये आप देख सकते हो, जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ
दिस डेटा इज रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग। अब इसको लास्ट ईयर 2022 में सीरियल नंबर 7953 जनरल को अलॉट हुआ था, जिसकी रैंक थी 17401। ये आखिरी सीट अलॉटेड था ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में 2022 में, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद 2023 में 8570 सीरियल नंबर वाले बच्चे को अलॉट हुआ, जिसकी रैंकिंग थी 19396। सीरियल का डिफरेंस 577 और रैंक का डिफरेंस 1995। तो इस साल पहले ही राउंड में 2000 नीचे रैंक वाले को कॉलेज अलॉट हुआ है, पहले ही राउंड में। ओबीसी में आप देख सकते हो, यहां से मैं दिखा देता हूं हाईलाइट करके, 1983 का 43 का डिफरेंस। लास्ट ईयर 18034 मिला था, इस साल मिला है 19977। तो 1943 यानी लगभग 2000 का डिफरेंस ओबीसी में भी है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 18989 पे मिला था, इस साल ये 21591 यानी 2602 का डिफरेंस है। तो 2600 तो पहले राउंड में नीचे आ गया। उसके बाद एससी में लास्ट ईयर 89842 पे गया था लास्ट कॉलेज क्लोजिंग कॉलेज फर्स्ट राउंड का, इस साल 113 पे गया है यानी 10171 रैंक तो वैसे भी डाउन हो गया पहले राउंड में। उसके बाद एसटी में लास्ट ईयर 123,071 था, इस साल 141,071 यानी 18,000 का डिफरेंस तो अभी हो गया। इसके बाद जनरल, पीडब्ल्यूडी, ईएसआईसी सब लिख रखा है। ईएसआईसी में मैं जो देख रहा हूं उसमें इस साल कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया है, एक्सेप्ट जनरल ईएसआईसी, जनरल में 1000 नीचे गया फर्स्ट राउंड में। बाकी EWS में 453 नीचे गया, बाकी सब में ऊपर गया। देखो माइनस जो दिख रहा है वो ऊपर में गया, ये ESIC का हो गया। उसके बाद अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ सीट इन मेरिट लिस्ट, तो 2022 में ऑल इंडिया से 5616 सीटें ESIC में आप देख सकते हैं। ESIC में थोड़ा मेरिट ऊपर गया है, जनरल में केवल 1010 नीचे गया है। बाकी देखो ये ओबीसी में -2237 यानी इतना ऊपर चला गया। ईडब्ल्यूएस में 453 नीचे गया है, बट एससी में 10600 ऊपर चला गया। एसटी में ओ माय गॉड 51000 ऊपर चला गया, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 972481 गया था, इस साल 921000 गया था, हार्डली डिफरेंस करता है। अब आ जाते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो फर्स्ट राउंड में AIQ से अलॉट हुई हैं। ऑल इंडिया 2022 में ऑल इंडिया कोटा यानी 15% कोटा में 5616 सीटें अलॉट हुई थी, इस साल 7559 सीटें अलॉट हुई हैं, 7559 यानी 1943 सीट्स ज़्यादा अलॉट हुई हैं। ओपन सीट में लास्ट ईयर 2507 सीट्स अलॉट हुई थी, इस साल 2513 सीट्स अलॉट हुई, 6 सीट ज़्यादा। उसके बाद ESIC में 403 सीटें लास्ट ईयर अलॉट हुई थी, इस साल 435, 32 सीट ज़्यादा। IP कोटा दिल्ली, ये तो दिल्ली का है तो इसको मत जोड़ना, टोटल दिल्ली में 199 सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में, इस साल 210। DU भी ये भी दिल्ली का है, 497 सीट अलॉट हुई थी इस साल 501, टोटल 4 सीट का इंक्रीमेंट आया। इसको मैंने यहाँ ग्राफ में भी दिखा दिया, ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये दिखाता है 2023 और ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो दिखा रहा है 2022 का। तो यहां से अगर आप देख सकते हो तो 2000 नीचे जा रहा है फर्स्ट राउंड क्लियरली, 2000 ज्यादा सीट्स अलॉट हुई हैं 2000 के आसपास, क्योंकि आप इसको काउंट कर लीजिए, ओपन सीट को काउंट कर लीजिए और ESIC को काउंट कर लीजिए, और ये तो DU के हैं। तो लगभग 2000 ज्यादा सीटें अलॉट हुई हैं फर्स्ट राउंड में, बढ़ी हुई लग रही हैं, अलॉटमेंट हुई हैं, और ये आपकी रैंक को नीचे खिसकाएगा आराम से। तो 25,000 तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, 25,500, अब उससे प्लस ही होगा, नीचे नहीं होगा। आई होप इस डेटा से आप खुद थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बाकी मिलते हैं, और फिजिक्स का फ्री कोर्स शुरू कर रहा हूँ, अगर कोई जानने वाला होगा तो प्लीज़ उनको रेफ़र करिए। रात में लाइव शुरू कर रहा हूँ कल से 1 अगस्त से, वहाँ ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो यही मैं चाहता हूँ।